नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दौर में जहां एक प्रधानी का चुनाव जीतना मुश्किल होता है, खूब पसीने बहाने पड़ते हैं, भाग दौड़ करनी पड़ती है, वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद ने सांसदी का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। वही अमेरिका की टाइम मैगजीन ने दुनिया के उभरते हुए 100 नेताओं में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को भी शामिल किया है। टाइम्स मैगजीन का दुनिया में बड़ा नाम। दोस्तों, इतिहास रच दिया है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चंद्रशेखर के पीछे किसी बड़ी पार्टी का हाथ नहीं था, चंद्रशेखर के सर पे किसी बड़े नेता का हाथ नहीं था। चंद्रशेखर एक सामाजिक संगठन चलाते थे, फिर पार्टी बनाई, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। तो अब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बन गए हैं, अब वो संसद में दहाड़ेंगे। लेकिन इस बीच दोस्तों, चंद्रशेखर के तेवर, चंद्रशेखर के रुतबे की चर्चा हो रही है। दोस्तों, चंद्रशेखर के कुछ वीडियोस हैं जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद अपने सख्त अंदाज के लिए जाने जाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद संविधान के दायरे में रहकर अपनी बातें रखना जानते हैं। दोस्तों, इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद के कुछ वीडियोस काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं, आज वो वीडियो मैं आपको भी दिखाने वाला हूं। चाहे सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, एसपी हो, गोदी मीडिया हो, सबकी चंद्रशेखर ने बारी बारी से वाट लगाई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चंद्रशेखर का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके बाद चंद्रशेखर ने रातों रात सुर्खियां बटोर ली थी। और ये दोनों वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, जो गोदी मीडिया को फटकार लगाई है चंद्रशेखर ने, ये वीडियो एक ही दौर का है, यानी करीब 3 साल पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं रूबिका लियाकत और चंद्रशेखर आज़ाद में किस तरीके से एक बहस के दौरान भिड़ंत हो गई थी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आपका सवाल हो गया तो जवाब दूं, चाहे 2 बार दोहरा दीजिए, 3 बार दोहरा दीजिए, अगर आप जवाब कहेंगे तभी तो दूंगा ना। मैंने आपको बताया कि अभी आपने, आपके पास जो आंकड़े हैं ना, वो आंकड़े जो FIR दर्ज होती है, मेरे पास वो भी आंकड़े हैं जिनमें FIR दर्ज नहीं होती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, सबसे ज्यादा रेप और बलात्कार की घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में बड़े पैमाने पे होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, और कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें नहीं होता है। तो देखा आपने दोस्तों, जब रूबिका लियाकत ने चंद्रशेखर आजाद से सवाल पूछा कि बताइए कहां पर सबसे ज्यादा दलितों के साथ अत्याचार होता है, तो चंद्रशेखर आजाद ने बाकायदा लिस्ट जारी कर दी और सबसे पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में यहां दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। लेकिन रूबिका कहां ये बात मानने वाली थी, रूबिका ने इस बात को मानने से इनकार किया, तो चंद्रशेखर ने इनकी पोल खोल दी। दोस्तों, ये वीडियो जो आपने देखा, ये 5 अक्टूबर 2020 का है, अब एक 7 अक्टूबर 2020 का, यानी इसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर आजाद एक दूसरे चैनल पर थे जो अंबानी का चैनल है, जिसमें गुल्लू एंकरिंग करता है। गुल्लू, जिसे सत्ताधारी पार्टी का चाटुकार कहते हैं, गुल्लू को किस तरीके से लताड़ा था चंद्रशेखर आज़ाद ने, किस तरीके से गुल्लू की हेकड़ी निकाल दी थी चंद्रशेखर ने, ये वीडियो देखिए दोस्तों। कि चुनाव चतुर्वेदी का 20 सेकंड का सवाल तो सुन ही सकते हैं, इतना इतना तो लोकतंत्र हमारा मजबूत है चंद्रशेखर रावर जी, जब आप इतने सारे सवाल उठा सकते हैं तो पॉइंट सुन भी तो सकते हैं। बंद करो, या मैं अपनी कहूंगा, मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का, और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। अभी बस मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अभी हमारे पास विधानसभा के विधायक तो नहीं है, लोकसभा के MP नहीं है ना, वो भी होंगे बहुत जल्दी, मेहनत करेंगे, समझ रहे हो, लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो। सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा, मैं जानना चाहता हूँ सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है। आपने कैमरा ऑफ करवा दिया। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का यही वो वीडियो है जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने कह दिया था कि एक दिन मैं सांसद भी बनूंगा। और ये जो तेवर आपने देखा चंद्रशेखर आज़ाद का दोस्तों, ये तेवर अभी भी बरकरार है, और कहा जाता है कि इन्हीं तेवरों की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद रावण बने। और चंद्रशेखर की इस समय तारीफ हो रही है, उनसे हर कोई मिलने के लिए बेताब है, और इस समय चंद्रशेखर आज़ाद
सुर्खियों में छाए हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो जो आपने देखा उससे आगे कुछ और वीडियोस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक पुलिस वाले से किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद भिड़ गए थे और पुलिस वाले की भी हेकड़ी निकाल दी थी, पुलिस अधिकारियों की भी हेकड़ी निकाल दी थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। देखिए ज़रा तो ये वीडियो आपने देखा जहां से पुलिस वाले से भिड़ते नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। ये वीडियो मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। पुलिस वाले कह रहे थे कि इतनी गाड़ी नहीं जाएगी, आचार संहिता का उल्लंघन है, पता नहीं क्या क्या नियम कायदा समझा रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इन्हें ही नियम कायदा समझा दिया। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का एक और वीडियो है जिसे सुनकर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और चंद्रशेखर का तेवर यहां पर काफी तल्ख है। देखिए जरा तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने देखा आपने वीडियो में क्या कहा कि सत्ता का नशा जल्दी उतर जाएगा। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ये बात तब बोल रहे हैं जब वो सांसद भी नहीं है, प्रधान भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, और ये जो बातें बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि वो सांसद बन जाएंगे अब, और जब सांसद बन जाएंगे तो ऐसे अधिकारियों को मजबूर करेंगे, जनता के प्रति जवाबदेही देने के लिए मजबूर करेंगे कि तुम लोग जनता के नौकर हो, अपनी नौकरी ठीक से करो। तो दोस्तों जो आपने चंद्रशेखर आजाद के वीडियोस देखे ये वो वीडियोस हैं जो अब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। दोस्तों याद करिए जब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद नहीं थे, वो अपनी पार्टी चला रहे थे, तब उन पर बहुत सारी फब्तियाँ कसी गईं, बहुत ताने मारे गए, कहा गया ये तो गुंडागर्दी करते हैं, ये तो युवाओं को नौजवानों को बरगलाते हैं। लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लोगों के जो सुर हैं वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद जीत के बाद मायावती जी को भी याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहन जी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम बहन जी के सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के बारे में वो खबर भी आपको याद होगी, नहीं याद है तो ये देखिए आप। आपने राशुगा लगाई दिसंबर, आपने अखबार में क्या छपवाया कि फंडिंग हुई, आप साबित करो फंडिंग हुई, आपने साबित कर दिया, हम किसी की लड़ाई लड़ेंगे, हम यहाँ से वापस लौट जाएंगे, और आप ना साबित कर पाए फिर आप बताओ कि आपने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया। तो टाइम मैगजीन ने भी चंद्रशेखर आजाद को भी कंसीडर किया था और उभरते हुए व्यक्तियों में शुमार किया था, तब भी चंद्रशेखर आजाद को लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, और चंद्रशेखर आजाद अगर आज संसद पहुंचे हैं तो अपने मेहनत संघर्ष के दम पर पहुंचे हैं, और बहुत सारे लोगों को इससे सीख भी लेनी चाहिए कि संघर्ष काम आता है, संघर्ष करना चाहिए। बाबा साहेब भी कहते थे संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो अब संसद पहुंच चुके हैं, अब जय भीम के नारे लगेंगे, संसद में दहाड़ेंगे, और इस बीच दोस्तों ये सारा वीडियो जो हमने आपको दिखाया है बहुत ज़्यादा वायरल है, और चंद्रशेखर आज़ाद के जो अतीत के पन्ने हैं उसे पलट पलट कर लोग पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये व्यक्ति, आम व्यक्ति, एक शिक्षक का लड़का कैसे संसद पहुँच गया, सड़क से संसद तक कैसे पहुँच गया, इसको लेकर दोस्तों समझने की कोशिश हो रही है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को लेकर, तेवर को लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।